सो गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम रजा, आप देख रहे हो टेक बॉस। ये है Realme 10 Pro Plus और फाइनली हमारे फोन में अपडेट आ चुका है। और अपडेट जो आया है आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हम गए सुबह, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है अपडेट। तो अपडेट करने से पहले हमें देखना होगा कि अपडेट में क्या आया है। तो देखिए, अपडेट जो आया है ऑफिशियली 8.36 का अपडेट आया है। अपडेट में क्या आया है, दिसंबर का सिक्योरिटी पैच आया है, जो बहुत अच्छी बात है। दिसंबर में आया और दिसंबर का सिक्योरिटी पैच आ गया है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया गया है, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, फिक्स सम इश्यूज एंड बग स्टेबिलिटी, ये सब कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है अपने सिस्टम ई विल नॉट डिलीटेड टू मॉडिफाई। यहाँ पर डेटा वगैरह आपका कोई भी डिलीट वगैरह नहीं होगा, तो इस तरह का कुछ है। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये जो अपडेट आया है लगभग यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पे आया है। और यहाँ पर 462.80 MB का यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे। तो चलिए इसको अपडेट करते हैं, उसके बाद आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या देखने को मिल। दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो चुका है, हम थोड़ा सा ब्राइटनेस आप बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद हम जाते हैं अबाउट फोन में और आपको दिखाते हैं कि क्या है। वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो था पहले हेल्प एंड डे फीडबैक, ये जो था पहले नहीं था, ठीक है। ये अपडेट के बाद ये मुझे नज़र आ रहा, पीछे पहले 4 टॉगल से दिखता था, अभी 5वां टॉगल सेट कर दिया गया है। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर देखिए जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिलता है 8.36 का। इसमें जाएंगे तो वही सारा चीज़ जो मैंने पहले बता दिया, लेकिन दिसंबर का सिक्योरिटी पैच है तो उसको हम जाके देखते हैं। लेकिन अभी तक मेरे फ़ोन में यहाँ पर बीटा प्रोग्राम में अर्ली एक्सेस नहीं मिला है रियलमी UI 5.0 का। हम ट्राई कर रहे हैं। वैसे आप लोग एक काम करिए, आप लोग ट्राई करिए, अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आप लोगों को। आपको यहाँ पर वर्जन में जाइए और वर्जन में जाने के बाद यहाँ पर बिल्ट नंबर जो है ना, इसमें 7 बार टैप करिए, 10 बार या 7 बार टैप करिए, ये ओपन होगा। उसके बाद जाकर एक बार आप लोग वर्जन में यहाँ पर जाकर और बीटा प्रोग्राम को जाकर चेक करिए, मे बी आप लोगों को अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर जो आया है, तो इसमें हम जाएंगे। तो देखिए एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है 5 दिसंबर का आया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अपडेट लगभग उसी के आसपास आया था और 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच है। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है जबरदस्त मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक भी मिस टच नहीं हो रहा है, अच्छा खुल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या ये जो नेटवर्क है यहाँ पर 5G शो कर रहा है? तो जी हाँ, 5G यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त टाइप का 5G यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए हम एक बार इसको थ्रॉटलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इंटरनेट को बंद करते हैं और बैकग्राउंड का सारा ऐप को भी हटा देते हैं और फ़ोन को एक बार थ्रॉटल करके देखते हैं कि थ्रॉटलिंग कैसा चल रहा है, ताकि पता चले कि फ़ोन कितना हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम थ्रॉटलिंग कर रहे हैं इसको, तो ग्राफ यहाँ पर ज़बरदस्त चल रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन है। 85% से ज़्यादा इसका अभी मार्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कि जितने भी इसके GPU CPU है, मतलब 8 कोर, वो यहाँ पर रनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है थ्रॉटलिंग फ़ोन नहीं किया है और फ़ोन का ग्राफ जो है बहुत ही ऊपर और ज़बरदस्त और बेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है। तो बस इतना ही हम करते हैं। वैसे इसका एक डिटेल रिव्यू और फुल टेस्ट आएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं कि कैमरे में कोई बग वगैरह कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। तो कैमरा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात किया जाए, तो फ्रंट कैमरा जो है, एक फ़ोटो हमने लिया, एक पोर्ट्रेट लेते हैं, 2 फोटो हमने लिया है। और यहाँ पर अब हम बैक कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो बैक कैमरा हम यहीं से ले लेते हैं और एक और फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 फोटो हमने लिया। चलिए देखते हैं कि फ़ोटो कैसा आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये फ़ोटो देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में फ़ोटो लिया गया है, मेरे बेड का है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह का कुछ है, लाइट वगैरह रखा हुआ है। दूसरा फ़ोटो 108 MP से लिया गया है यहाँ पर, ये वाला फ़ोटो जो है 108 MP से है। और इसका साइज़ वगैरह देखा जाए तो यहाँ पर 20 MB का यहाँ पर बन रहा है फ़ोटो, जो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिख दे रहा है नो फ्लैश। चलिए इसको हटाते हैं। ये जो फ़ोटो है सेल्फी, और सेल्फी में एक चीज़ आप गौर करेंगे बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मार्क आ गया रियलमी इस बार। अगर देख सकते हैं मेरे फेस के आगे जितने भी पोर्शन है, जितने भी एरिया है, उसको ब्लर नहीं किया, जो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब डिटेक्ट कर रहा है। पहले ये चीज़ नहीं था, ब्लर हो जाता था,
कुछ भी चीज़, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का आया है देखिए, तो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। स्किन टोन वगैरह सही जा रहा है यहाँ पर, ये भी फ़ोटो काफ़ी ज़बरदस्त है, स्किन टोन वगैरह सही जा रहा है। और ये मेरे बच्चों का है जो कल का है। खैर इसका कैमरा कंपैरिजन वगैरह आएगा हम बताएंगे, लेकिन सारा कुछ सारा फंक्शन यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि कीप स्टॉपिंग कैमरा दिख रहा है, तो चलिए कैमरा को हम क्लियर करते हैं। क्या नया वर्जन था? तो ऐसा नहीं था यहाँ पर, यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर देते हैं तो उसको भी देखते हैं। तो 3 में चलिए चलिए देखते हैं अब कैमरा कैसा है इसका, जो ऑफिशियली आया है निकल के, तो उसमें फ़ोटो वगैरह कैसा आ रहा है वो भी चीज़ हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक फ़ोटो हमने लिया, एक पोर्ट्रेट लिया और बैक से एक फ़ोटो ले रहे हैं, बैक से एक लिया हमने, 108 मेगापिक्सल से हमने एक फ़ोटो लिया और पोर्ट्रेट से एक फ़ोटो लेते हैं। चलिए देखते हैं फ़ोटो कैसा निकल के आया है, क्योंकि ये वाला फ़ोटो जो है देखिए अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पर पोर्ट्रेट में है इस तरह का, 108 का काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल के आया है। और 108 में इसका जो साइज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है 22 MB का, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये सेल्फी है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ब्लर किया है, बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन वगैरह निकल के आया है और ये नॉर्मल है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम फ़ोन को पूरा का पूरा टेस्ट करते हैं, कुछ फीचर्स वगैरह आएगा तो वो भी बताएंगे और बताएंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, कहाँ पर डाउनग्रेड हुआ है और एंटीटू बेंचमार्क स्कोर पहले का और अभी का कितना फ़र्क पड़ रहा है वो चीज़ हम देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सही में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला अपकमिंग अपडेट में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वैसे फुल टेस्ट इसका चलेगा, इसका डिटेल वीडियो आएगा कल, आज भर इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।